रियो ओलंपिक्स में गुरुवार को हुए खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने टेनिस के राउंड वन में जीत हासिल की है। आइए नजर डालते हैं आज के भारतीय मुकाबलों पर। गोल्फ के पुरुषों के व्यक्तिगत राउंड टू के मुकाबले में SSP चौरसिया शाम 4 बजे मैदान में उतरेंगे। शूटिंग में पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन में आज चैन सिंह क्वालिफिकेशन के लिए शाम 5:30 बजे नजर आएंगे। पुरुषों की स्कीट क्वालिफिकेशन शाम 6 बजे होगी, जिसमें मिराज अहमद खान उतरेंगे। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के क्वालिफिकेशन के स्टेज वन में गुरप्रीत सिंह होंगे। यह मुकाबला 9:45 बजे होगा। शाम 5:30 बजे बैडमिंटन के महिला युगल ग्रुप ए मुकाबले में भारत की ज्वाला गुट्टा और ए पोनप्पा नीदरलैंड्स की एस पीक और ई मुस्केंस के सामने होंगी। वहीं शाम 8 बजे पुरुषों के डबल्स के ग्रुप डी में BS रेड्डी और M अत्री के सामने चीन के बी चाय और W हॉन्ग होंगे। शाम 6:45 बजे तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत राउंड 16 में अतनु दास दक्षिण कोरिया के ली संग यू के सामने होंगे। एथलेटिक्स में पुरुषों के डिस्कस थ्रो के क्वालिफिकेशंस में भारत से विकास गौड़ा ग्रुप बी में शाम 7:30 बजे मैदान में नजर आएंगे। महिलाओं की शॉटपुट के क्वालिफिकेशंस में मनप्रीत कौर शाम 6:30 बजे मैदान में उतरेंगी। पुरुषों की 800 मीटर का राउंड वन शाम 7:45 बजे होगा, जिसमें जिनसन जॉनसन होंगे। फाइनल में कृष्णन गणपति गुरमीत सिंह और मनीष सिंह पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल में नजर आएंगे, जो रात 11 बजे होगी। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम और कनाडा आमने सामने होंगे। ये मैच रात 9 बजे खेला जाएगा। रोइंग में सेमीफाइनल CD2 में दत्तू बबन भोकनाल रात 9:30 बजे अपने मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। मुक्केबाजी में पुरुषों के 75 किलोग्राम वर्ग में विकास कृष्ण यादव और तुर्की से एंडर सिपाल आमने सामने होंगे। तो आज के भारतीय मुकाबलों में बस इतना ही। आगे और भी रियो ओलंपिक की खबरों के लिए देखते रहिए DB Live।